लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। मां लक्ष्मी के खजाने को लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं। पिछले 20 साल से मां लक्ष्मी के प्रसाद रूपी खजाने का वितरण जारी है। मंदिर के प्रबंधक अनूप के अनुसार माता के प्रसाद रूपी खजाने को तिजोरी या बक्से में रखने से माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और कानपुर के बिरहना रोड पर मौजूद माता वैभव लक्ष्मी मंदिर का महत्व अलग ही होता है। दरअसल नवरात्र के 9 दिनों के भीतर आने वाले शुक्रवार को इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को खजाना दिया जाता है। आपको बता दें कि 1889 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। राणा रोड में स्थित वैभवलक्ष्मी मंदिर है, जहाँ पे आज के हर शुक्रवार नवरात्र के हर शुक्रवार में यहाँ खजाना वितरण किया जाता है और ये खजाना लेने से धन धान की फलीभूति। अब कहाँ से आप आई हैं और कब से ये खजाना लेने आ रही हैं? मैं राणा रोड से आई हूँ और मैं आज काफ़ी सालों से, जब से मंदिर बना हुआ है और यहाँ जब से खजाना वितरण हो रहा है, मैं हर साल यहाँ खजाना ले। ये माता वैभवलक्ष्मी मंदिर है, यहाँ पे ये माता वैभवलक्ष्मी मंदिर बिरहना रोड में कानपुर में स्थापित है। माता वैभव लक्ष्मी दरबार में हर नवरात्र की बात यहाँ पे माँ का प्रसाद स्वरूप खजाना वितरण किया जाता है। इस खजाने को लेने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैंगे। पहले इस मंदिर में 1000-2000 आदमी आता था, आज लोगों को खजाना फलने लगा है। आज हजारों की तादाद में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बटेगा मंदिर में खजाना बटेगा। इस दरबार में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटेगा। राणा रोड में स्थित वैभव लक्ष्मी मंदिर है।